શ્રી શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મપ્રસાદ દાજે BA BEd કોલેજમાં આપ સભી વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. છાત્રો ઓર છાત્રાએ, આજ હમ SYBA સેમેસ્ટર 4 ગણ 2 હિન્દી દિવ્યા મેં જો પ્રેસ્ત કા ચરિત્ર ચિત્રણ કિયા હૈ ઇસકા વર્ણન કે બારે મેં હમ અભ્યાસ કરેંગે. ભાગ 1 કે બારે મેં ધ્યાન સે સુને. यशपाल रचित दिव्या का महाश्रेष्ठी प्रेस्त उस पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो उपन्यास में चित्रित अथवा उससे भी पूर्व के युग से लेकर आज तक समाज में सदैव वर्तमान रहा है. महत्वाकांक्षा, अवसरवादी एवं कुटिल नीति से परिपूर्ण दूरदर्शिता महाश्रेष्ठी प्रेस्त के ही नहीं बल्कि पूंजी के आधार पर उन्नति करने वाले प्रत्येक पूंजीपति के गुण होते हैं. यहाँ प्रेस्त का जो वर्णन किया है तो यशपाल ने इस दिव्य उपन्यास में महाश्रेष्ठी के रूप में प्रेस्त का पूंजीपति वर्ग का एक प्रतिनिधित्व पात्र बताया गया है. तो उपन्यास में इसका चित्रित इस प्रकार किया है कि पूर्व के युग से लेकर आज तक समाज में सदैव वर्तमान रहा है. महत्वाकांक्षा और अवसरवादी एवं कुटिल नीति से परिपूर्ण दूरदर्शिता महाश्रेष्ठी प्रेस्त के ही नहीं पर बल्कि पूंजी के आधार पर उन्नति करने वाले प्रत्येक पूंजीपति के गुण इसमें देखने को मिलता है. इसका परिचय के बारे में हम देखें तो अपने विभिन्न गुणों के आधार पर तुच्छ दासत्व से ऊपर उठ महाश्रेष्ठी के पद पर पहुंचने के लिए वह अत्यंत सूझबूझ के साथ अनथक परिश्रम करता है. और उपन्यासकार के शब्दों में महाराज का शालिहोत्री दास यवन राज के साथ ही यवन देश से आया था. विशेष चतुर विनीत और अश्वों की वंशवृद्धि और चिकित्सा में विशेष दक्ष होने के कारण वह महाराज का विशेष कृपा पात्र था. राजकीय दास होने से उसकी स्थिति अच्छी थी. महाराज ने संसार माया त्याग के समय प्रेस्त को दासत्व से मुक्ति के अतिरिक्त कपिशा कंबोज वाल्हिक और सुगम देश के अनेक बहुमूल्य अश्व दान दिए. इन बहुमूल्य अश्वों को लेकर प्रेस्त ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाने वाले सारथों के साथ यात्राएं कर अश्वों का व्यापार किया. अनेक स्थानों के अश्व और रथ दूसरे प्रदेशों में बेचकर व्यापार से सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं उपार्जन कर प्रेस्त स्वयं सागल में समृद्ध श्रेष्ठियों की भांति निवास करने लगा और उसके कार्यवाहक उसका विस्तृत व्यापार चलाने लगे. अपने लिए अभिजात वर्ग के समान प्रसाद और उद्यान बनवाए, दास दासियां क्रय किए और सामंत वर्ग के समान रहने लगा. तो इस तरह प्रेस्त का जो चरित्र चित्रण है और परिचय है तो एक इसके विभिन्न गुणों के आधार पर एक तुच्छ दासत्व से रूप पर ऊपर उठकर महाश्रेष्ठी के पद पर पहुंचने के लिए अत्यंत उन्होंने सूझबूझ के साथ जो परिश्रम किया है. तो इसमें उपन्यास के शब्दों में यशपाल ने बताया है कि महाराज का शालिहोत्री दास यवन राज के साथ ही यवन देश में आया था, ये प्रस्त आया था. तो विशेष चतुर विनीत और अश्वों के वंशवृद्धि और चिकित्सा में विशेष दक्ष होने के कारण वह महाराज का एक विशेष कृपा पात्र भी माना जाता था और राजकीय दास होने के नाते उसकी स्थिति भी अच्छी थी. और महाराज ने संसार माया त्याग कर समय प्रेस्त को दासत्व से मुक्त भी किया और अतिरिक्त कपिशा कंबोज और वाल्हिक और सुगम देश के अनेक बहुमूल्य अश्वदान भी ए प्रेस्त को दिया था. इन बहुमूल्य अश्वों को लेकर प्रेस्त ने पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जाने वाले सारथों के साथ यात्राएं भी की, अश्वों का व्यापार भी किया और अनेक स्थानों के अश्व और रथ दूसरे प्रदेश में बेचकर व्यापार से सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त किया और श्रेष्ठ के भांति निवास करने लगा और कार्यवाहक उसका एक विस्तृत व्यापार बोलने लगा और चलने लगा. तो ये एक प्रेस्त महत्वाकांक्षी भी था. प्रेस्त महत्वाकांक्षी है तथा अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसमें चारित्रिक गुण संयम धैर्य साहस दूरदर्शिता आदि भी है. विपरीत स्थिति में भी यह
वह अनुत्तेजित रहता है। इसी व्यक्तित्व की स्थिरता तथा दृढ़ता ने न केवल उसे पूंजीपति की बनाया अपितु उसके पुत्रों को गणपति के समान शक्तिशाली भी बना दिया। महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। स्वयं को अभिजात वर्ग के समान प्रतिष्ठित करने के लिए प्रेस्थ एक रूपवती द्विज कन्या क्रय कर उसे अपनी पत्नी बनाता है और अभिजात वर्ग के समान प्रासाद और उद्यान बनवा कर दास दासिया क्रय कर सामंत वर्ग के समान रहता है और अपने द्रव्य बल चातुर्य और विनय से गणपति मिथोद्रस का विशेष विश्वास पात्र तथा उनकी दक्षिण पूंजा भुजा बन जाता है। केंद्रस के आक्रमण के समय स्वेच्छा से 1,000 स्वर्ण मुद्रा कोष में बलि अर्पण कर प्रेस्त धर्मस्थ और गणपति का आदर एवं विश्वास प्राप्त करने में सफल रहता है। पुत्र पृथुसेन के प्रति मैं तुम्हारे परम भट्टारक मद्र के छत्रपति राजा के आसन पर देखना चाहता हूँ। यदि मगध में शूद्र मौर्य वंश का राज्य स्थापित हो सकता था तो मद्र में प्रेस्त वंश का राज्य क्यों नहीं स्थापित हो सकता। तो यहाँ प्रेस्त का जो एक महत्वाकांक्षी राजा के रूप में भी माना गया है, जो अपने चारित्र गुण संयम धैर्य और साहस दूरदर्शिता आदि भी है, लेकिन विपरीत स्थिति में भी वह अनुत्तेजित रहता था और इसी व्यक्तित्व की स्थिरता और दृढ़ता ने केवल उसे पूंजीपति ही बनाया अपितु उसके पुत्रों को गणपति के समान शक्तिशाली भी बना दिया और महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। स्वयं को अभिजात वर्ग के समान प्रतिष्ठित करने के लिए प्रेस्त एक रूपवती द्विज कन्या के साथ क्रय भी अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अभिजात वर्ग के समान प्रासाद और उद्यान बनवाकर दास दासिया क्रय कर सामंत वर्ग के समान रहता था और सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा कोष में बलि अर्पण कर प्रेस्त एक धर्मस्थ और गणपति का आदर एवं विश्वास प्राप्त करने में सफल भी रहता है और पुत्र पृथुसेन से कहता भी है कि मैं तुम्हारे परम भट्टारक मद्र के छत्रपति राजा के आसन पर देखना चाहता हूँ। यदि मगध में शूद्र मौर्य वंश का राज्य स्थापित हो सकता था तो मद्र में प्रेस्त वंश का राज्य क्यों नहीं स्थापित हो सकता। इसी तरह वो राजा बनना चाहता था। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, प्रेस्त का चरित्र चित्रण भाग एक के बारे में यहाँ तक हम पढ़ते हैं। कल हम प्रेस्त का जो वर्णन है वो भाग 2 के बारे में हम अभ्यास करेंगे। अस्तु।